नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अब आपके ज़िंदगी में आएगी बहुत बड़ी मुसीबत की सुनामी। दोस्तों इनका नरक में जाना अब तय है। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बता दें कि आपके कुंडली में 3 से 4 महीने तक ग्रहों का अद्भुत खेला दिखने वाला है। दोस्तों आपके ज़िंदगी के जो भी नकारात्मक दुश्मन आपको लगातार नुकसान पहुँचा रहे थे, दोस्तों अब उनका नरक में जाना तय है। दोस्तों आपके दुश्मनों की अब उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन के सभी प्रकार की बुरी शक्तियों का अब सर्वनाश होने वाला है। दोस्तों शनि और मंगल ग्रह व दोनों ग्रह आपके कुंडली में अपनी ऊर्जा बिखरने वाला है। दोस्तों इन दो ग्रहों के प्रभाव से आपके जीवन पूरी तरह से बदल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों अब आपको किसी के सामने भीख मांगने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों जो लोग आपको मुसीबत में आपका साथ नहीं दिए थे, दोस्तों अब वही लोग आपके तरक्की को देखकर आपके पीछे दौड़ते हुए नज़र आएंगे। जी हाँ दोस्तों, मानो तो अब आपके जीवन की पूरी लेखा जोखा ही बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि शनि और मंगल ग्रह आपके कुंडली में 3 से 4 महीने के अंदर आपके जीवन काल में कौन कौन से परिवर्तन, आपको क्या क्या खुशखबरियाँ और आपके ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। दोस्तों आखिर यह 3 से 4 महीनों के अंदर आपके कार्य के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और पारिवारिक जीवन यापन के लिए वह अन्य सभी स्तरों पर क्या क्या बदलाव और क्या क्या चमत्कार भी देखने को मिलेंगे। और साथ ही इसमें आपको किन किन क्षेत्रों में और सावधानियां भी रखनी होगी और कौन सी चुनौतियों का भी सामना आपको करना पड़ेगा। दोस्तों सारे के सारे जानकारी आप लोगों को हम पूरी विस्तार पूर्वक से देंगे। तो आप सभी से बस मेरा छोटा सा अनुरोध है कि इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले माता भवानी के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, जय माता भवानी जरूर लिखें। दोस्तों माता रानी का हमेशा आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त होगा और आपके जीवन के सारे बड़े कार्य और अधूरे कार्य भी पूर्ण हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं आपके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातों से। दोस्तों यह बातें आप सभी के लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाला है, तो इन बातों को आप लोग ज़रा अपने ध्यान में रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों अगर आप जीवन में सदैव खुश रहना चाहते हैं तो ज़िंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लो। दुनिया को देख कर जो फैसले लेते हैं वे सदा हमेशा दुखी ही रहते हैं। इसलिए दुनिया की परिस्थितियों को देख कर नहीं बल्कि खुद की परिस्थितियों को देख कर आप ज़िंदगी के फैसले लें। दोस्तों अगर ज़िंदगी में बुरा वक्त ही नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपने कभी नज़र नहीं आते हैं। दोस्तों बुरा वक्त में ही लोगों की पहचान हो जाता है कि कौन अपना है और कौन पराया और गैर है। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों कि जीवन में अच्छी बात कहने से ज़्यादा है कि अच्छे कर्म करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना नहीं बल्कि देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इन बातों को आप लोग हमेशा अपने जीवन काल में जरूर याद रखिए। दोस्तों यह बातें आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सही लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आने वाले 3 से 4 महीनों के अंदर ग्रहों का महाखेल आपके ज़िंदगी में क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं और क्या क्या बदलाव आपके ज़िंदगी में इसमें करने वाले। चलिए पूरी जानकारी बात करते हैं विस्तार पूर्वक से। दोस्तों आने वाले 3 से 4 महीनों के अंदर आपके जीवन काल में अनोखे अनोखे परिवर्तन और बदलाव होने वाले हैं। दोस्तों जो परिवर्तन आपको इस जीवन काल में देखने को मिलेंगे, दोस्तों ऐसा परिवर्तन ना कभी आपके जीवन में हुआ होगा और ना ही कभी हुआ था। और दोस्तों यह समय अपने समय, धन एवं ऊर्जा का प्रबंधन करके चलना होगा, अन्यथा आपको बेवजह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। और दोस्तों यह समय घर, वाहन आदि की मरम्मत या फिर अन्य जरूरतों पर जेब से अत्यधिक धन खर्चा भी हो सकता है, जिसके चलते आपका बजट गड़बड़ा सकता है। और इस दौरान आपको अपनी सेहत पर विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप मौसमी अथवा किसी भी पुरानी बीमारी के वर्ण से परेशान हो सकते हैं। और यह समय आपको कामकाज के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है। इस दौरान आपके सामने कुछ घरेलू समस्याएं भी बनी रहेंगी, जिनके चलते मन थोड़ा चिंतित भी रह सकता है। और इस दौरान कार्य क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियाँ
अत्यधिक बदल सकती है। यदि आप नौकरी में बदलाव के लिए प्रयासरत हैं तो ऐसे करते समय शुभचिंतकों की सलाह लेना बिल्कुल ही आप ना भूलें और यह समय सोच विचार कर ही निर्णय ले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और दोस्तों, इस दौरान किसी की बातों में आकर धन निवेश करने से बचें और ऐसे करने के लिए उचित समय आने का आप इंतजार करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और दोस्तों, पार्टनरशिप में काम करने वालों को धन के लेन देन में यह समय सावधानियां बरतनी चाहिए। इस दौरान दूसरे पर जरूरत से ज़्यादा विश्वास धन हानि का बड़ा कारण भी बन सकता है। और दोस्तों, इस दौरान कारोबार में कंप्यूटर से कड़ा मुकाबला भी आपको करना पड़ सकता है। हालांकि यह समय की मदद तक स्थिति आपके नियंत्रण में होंगी और आपको व्यवसाय में मनचाह लाभ और सफलता भी हासिल होंगी। और इस दौरान कार्य क्षेत्र में आपका प्रमोशन या फिर बड़ी जिम्मेदारियां संभालने को भी मिल सकती है। और इस दौरान लंबे समय से चली आ रही किसी बड़ी समस्या का समाधान निकल आने पर आप राहत की सांस भी लेंगे और यह समय आपकी किस्मत सूर्य की तरह चमकती हुई नजर आएंगी और आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलती हुई नजर आएंगी। और दोस्तों, रोजी रोजगार के लिए भटक रहे लोगों का इंतजार यह समय खत्म होगा। और दोस्तों, यह समय की शुरुआत में ही घर में धार्मिक मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होंगे और इस दौरान घर परिवार के कई प्रिय सदस्यों से लंबे समय बाद मिलना मिलाना होगा और व्यवसाय की दृष्टि से भी यह समय आप सभी के लिए काफ़ी बेहद शुभ समय रहने वाला है। जो लोग लंबे समय से अपने कारोबार का विस्तार करने की सोच रहे थे तो उनकी कामनाएं इसमें पूरी हो सकती है और विदेश से जुड़े लोगों को इस व्यवसाय में खास लाभ भी होगा। और दोस्तों, यह समय के उत्तरार्ध में आपके सामाजिक एवं आर्थिक प्रतिष्ठा में वृद्धि भी होंगी और नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत भी इसमें बनेंगे और संचित धन में वृद्धि भी होंगी। और दोस्तों, कोर्ट कचहरी में चल रहे मामलों में यह समय फैसला आपके हक में आ जाएगा या फिर विरोधी खुद ही आपसे समझौता के लिए पहल कर सकते हैं। और दोस्तों, प्रेम संबंध में आ रही सभी प्रकार की बधाइयाँ इसमें दूर होंगी और परिजन आपके प्रेम संबंध को स्वीकार करते हुए विवाह के लिए हरी झंडी भी दिखा सकते हैं। और दाम्पत्य जीवन यह समय सुखमय बना रहेगा और छोटी मोटी दिक्कतों को छोड़ दें तो सेहत भी आपकी कुल मिलाकर समान ही रहेगी। समय और दोस्तों, आने वाले समय में आपके लिए उत्तम संपत्ति के संकेत भी दे रहा है। यह समय किसी काम को पूरा करने के लिए आप पूरे जोश से जुटेंगे और उसे पूरा करके आप दम भी लेंगे। और दोस्तों, आपका तेज रफ्तार बढ़ने से आपके पराक्रम में वृद्धि भी होंगे और व्यवसाय कर रहे लोगों को यदि पिछले कुछ समय से अपने व्यवसाय के मंदी गति के कारण परेशान हैं तो वह पिताजी से आप बातचीत करके उसे ठीक करने में आप कामयाब भी रहेंगे और पेट संबंधित समस्याओं के चलते आप अपने कुछ टेस्ट भी करवा सकते हैं जो आपको आपकी समस्या से मुक्ति दिलाने में कामयाब भी रहेंगे। और दोस्तों, यह समय बुध का द्वितीय भाव में होना और आपके अष्टम भाव को दृष्टि करना आपकी राशि के ज़्यादातर छात्रों को अपनी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए इस समय अवधि में आपको धैर्य के साथ चलने की खास हिदायत दी जाती है।